सिकंदराबाद नगर पालिका ने शासन आदेश पर नगर के विभिन्न इलाकों में माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया है। सूचित किया जाता है कि 14 जून से एक विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष आयु एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के ड्राइवर, कंडक्टर, फल सब्जी विक्रेता, छोले खोमचे, ऑटो रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में कोविड वैक्सीन हेतु कैंप लगा हुआ है। समस्त 18 वर्ष से 44 वर्ष के व्यक्ति पंजीकरण के पश्चात एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दुकानदार कोविड वैक्सीन का टीका CSC पर लगवाना सुनिश्चित करें। इस अनाउंसमेंट का उद्देश्य ये है कि विशेष टीकाकरण अभियान 14 तारीख से शुरू हो चुका है और इस अभियान के तहत सभी मजदूर वर्ग, ड्राइवर, कंडक्टर, फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पटरी, खोमचे और ऑटो रिक्शा चालकों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद समय समय पर टीकाकरण के लिए नगर वासियों को जागरूक कर अस्पताल में टीकाकरण के लिए भेज रहा है। इस अभियान के तहत सभी आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण नगर के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद, मैं नगर वासियों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं और जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। साथ ही रेहड़ी पटरी, फुटपाथ विक्रेता, ठेला खुमचा वाले व्यापारियों से अनुरोध है कि वो प्राथमिकता के आधार पर अपना टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच कर करा लें, जिससे कि कोरोना महामारी से उनके परिवार और उनकी सुरक्षा हो सके। जो भी व्यक्ति टीका नहीं लगवाएगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। टीकाकरण के लिए आपको अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके बाद अस्पताल में टीका लगवाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया जाता है तो उसे सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस व्यक्ति द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा वही व्यक्ति। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।